नमस्कार। आज मैं आपको अनार के फायदे बताऊंगा। दोस्तों, अनार जो है वो सैकड़ों बीमारियों को ख़त्म करता है। इसीलिए एक इस पे कहावत भी है, एक गाना भी बना हुआ है, एक है अनार यहाँ सब है बीमारियाँ यहाँ, ये अनार मैं किस किस को दूँ, क्योंकि ये सभी बीमारियों को ठीक करता है। इसीलिए ये बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। इसका देखिए क्या क्या फ़ायदे हैं कि सबसे पहले तो इसका हम बीज भी इस्तेमाल होता है, इसका छिलका भी इस्तेमाल होता है, और इसके बाद इसके जो फूल होते हैं, ये फूल आगे जो बनते हैं जब अनार नहीं होता, पहले फूल होते हैं तो वो फूल लाल रंग का होता है, फूल भी काम आता है। इसके बाद पेड़ की छाल भी काम आती है, दवाइयों में इस्तेमाल होती है, मतलब पत्तियाँ वगैरह जड़ वगैरह सब इस्तेमाल होता है इसका, दवाइयों औषधियों में इस्तेमाल होता है। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं मैं ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। अनार का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अनार का बीज भी खा सकते हैं। इसके जो छिलके बच जाते हैं उसको आप छाया में सुखा के रख लीजिए, आप सब्जी में भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट अच्छा बनता है सब्जी का। काले चने बनाते हैं तो हम तो घर में ज़रूर बनाते हैं, जब काले चने जब भी बनते हैं तो इसके छिलके ज़रूर डालते हैं, तो और उसका कलर भी अच्छा दिखता है और बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि उसके अंदर अच्छी मात्रा में आयरन वगैरह मिलता है ना, तो काले से दिखते हैं छिल, और खाने में जब हम खाते हैं ना काले चने तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके फायदे बता देता हूँ। जिन व्यक्तियों की पाचन शक्ति कमज़ोर है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, पेट में हमेशा गैस बनती है, बार बार तेजाब बनता है, जलन होती है, डकारें आती हैं, पेट अफरा सा रहता है, उनके लिए अनार का जूस सुबह शाम पीना बहुत फ़ायदेमंद है। एक कप सवेरे एक कप शाम पीना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, या एक अनार सुबह एक अनार शाम को खाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन व्यक्तियों को दोस्तों दस्त की शिकायत बार बार तंग करती है, आंतड़ियाँ कमज़ोर हैं, उनके बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, जिनको IBS की शिकायत है, आंतड़ियाँ ठीक ढंग से काम नहीं करती, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, उनके लिए अनार का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। दोस्तों, जिनका वीर्य कम बनता है, या मान लीजिए वीर्य में शुक्राणु कम बनते हैं, या वीर्य पतला है, उनके लिए अनार का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा लाभकारी है। दोस्तों, जिनके सिर में दर्द हमेशा रहता है, नसें कमज़ोर हैं, या बार बार गुस्सा, टेंशन, तनाव, या अनिद्रा की शिकायत रहती है, नींद नहीं आती, या बहुत परेशान रहते हैं, उनके लिए अनार का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। जिन व्यक्तियों के बार बार बाल झड़ते रहते हैं, बालों की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं, उनके लिए अनार का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि अनार में ऐसे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं जो बालों की जड़ों को ताकत देते हैं और बालों को झड़ने से रोकते हैं और बिल्कुल घने करते हैं। जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ते हैं, जब हम कहते हैं जी आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है इसलिए आप बार बार बीमार पड़ते हो, आपका जो सीजन चेंज होता है तो छींके एलर्जी तंग करती है, जिनको स्किन एलर्जी या किसी भी तरह से एलर्जी है, या मान लीजिए आपके शरीर में वात पित्त कफ दोष होता है, जो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियाँ, शारीरिक बीमारियाँ उत्पन्न करता है, तो उनके लिए कहूँगा कि अनार का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली को बढ़ाता है, और वात पित्त कफ को, तीनों को अगर ये बढ़े हुए हैं तो उनको संतुलन बना के रखता है और उनको बिल्कुल नॉर्मल करता है। जिन व्यक्तियों के शरीर में खून की कमी है, एनीमिया की शिकायत बोल देते हैं, कि शरीर पीला और सफ़ेद सा नज़र आता है, हीमोग्लोबिन कम है, या पीलिया की शिकायत है, उनके लिए खास तौर पे कहूँगा जी आपके लिए अनार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें फोलिक एसिड भी आ गया, विटामिन सी भी आ गया, इसके बाद आयरन भी आ गया, जिंक भी इसके अंदर मौजूद होता है, सब तरह के विटामिन्स अगर एक साथ मिल जाते हैं तो और क्या चाहिए हमें, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी है। जिन व्यक्तियों को बार बार दोस्तों फोड़े फुंसी, खारिश, खुजली परेशान करती है, कहते हैं जी खून की खराबी है, खून की खराबी के लिए अनार का इस्तेमाल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये खून को साफ़ करता है और खून को बिल्कुल शुद्ध करता है, उसमें जो जमा टॉक्सिन पदार्थ होते हैं उनको पेशाब या मल के रास्ते बाहर निकाल देता है, या पसीने के रास्ते बाहर निकाल देता है। कई लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, हड्डियों में कैल्शियम की कमी, विटामिन्स की कमी, या विटामिन डी की कमी होती है, या ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत है, उनके लिए अनार का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलता है और अच्छी मात्रा में विटामिन्स मिलते हैं, जिससे हड्डियों को ताकत मिलती है और बिल्कुल तगड़े रहते हैं। जिन व्यक्तियों को बार बार चेहरे पे पिंपल्स निकलते हैं, झुर्रियाँ झाइयाँ तंग करती हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खा के लगा के क्रीम परेशान हो जाते हैं, उनके लिए कहूँगा कि आपके लिए अनार का रस निकाल के रुई में डुबो के अच्छे से लगा के आधा घंटा छोड़ दीजिए, उसके बाद ताज़े पानी से या ठंडे पानी से धो दीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इसी तरह सुबह शाम अनार खाना या अनार का जूस इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो पिंपल्स को ख़त्म करता है, झुर्रियाँ झाइयों को ख़त्म करता है, और आपकी उम्र बढ़ भी रही है तो उस पर आपके त्वचा पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसे कहते हैं बढ़ती उम्र भी थम सी जाती है।
जिन व्यक्तियों के दांत भुरने लग जाते हैं, जिसे हम दंत क्षय कहते हैं, दांतों में चमक नहीं रहती, दांत कमज़ोर रहते हैं, या मुंह से बदबू आती है, मसूड़े से खून आता है, या पायरिया की शिकायत है, उनके लिए इसका जो हम अनार का कहते हैं रस निकाल के सुबह शाम पीना, आपके लिए कुल्ला करके पीना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मुंह की सभी तरह की बीमारियां बिल्कुल जड़ से ख़त्म करता है। जो व्यक्ति हृदय रोग से परेशान है, हृदय क्योंकि अनार में ऐसे गुण पाए जाते हैं, ये नसों को ताकत देता है, नसों को खोलता है। कई बार कई पेशेंट पूछते हैं, जी हमें तो फलाने डॉक्टर ने बोला है जी अनार का इस्तेमाल करने से खून गाढ़ा हो जाता है। तो मैं कह अरे रुक जा भाई, रुक जा रुक जा, कोई गाढ़ा नहीं होता, आप रुको मेरी पूरी बात सुनो, पहले पूरी बात को ध्यान से दो कि ये HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है, और VLDL को, LDL को, सीरम कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड जो वसा होता है, जो बहुत बेकार होता है, जो नसों में जम जाता है, उसको कम करता है। तो इसके तो वो कैसे कर देगा भाई तुम्हारे खून को गाढ़ा? तब वो मेरी बात समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं, उनको फ़ायदा भी मिलता है और कोलेस्ट्रॉल उनका बिल्कुल हमेशा के लिए जड़ से ठीक रहता है। हृदय रोग वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा लाभकारी है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, जिनका BP हाई रहता है, BP हाई नसें नाड़ियाँ जब हमारी सख्त हो जाती हैं, उनमें खून दौरा तेज़ी से दौड़ने लग जाता है, तो उनके लिए भी अनार का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा लाभकारी है। जिन व्यक्तियों को गठिए की शिकायत है, चाहे वो गठिया ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण हो, चाहे वो रूमेटिड आर्थराइटिस के कारण है, तो आपको मैं बता दूं कि अनार का रस आपके लिए जहाँ जोड़ पे सूजन है आपके, उस जोड़ पे अच्छे से रुई लगा के अच्छे से मालिश करिए, और रुई रख के ऊपर गर्म पट्टी लपेट दीजिए। आधे घंटे बाद आप उस रुई को फेंक दीजिए और वो जगह को गुनगुने पानी से धो दीजिए, तो आप देखेंगे कि सूजन और दर्द में आपको पूरा लाभ मिला है, और आपके लिए अनार खाना या अनार का जूस पीना बहुत ज़्यादा लाभकारी है। जिन व्यक्तियों को हाथों पैरों से दाह निकलती है, जलन होती है, पसीना ज़्यादा आता है, बार बार मुंह सूखता है, मुंह खुश्क हो जाता है, अंदर गर्मी सी बनी हुई रहती है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है ये, आप खाने में या इसका जूस पीने में आप बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप इसका इस्तेमाल करिए। दोस्तों जिन व्यक्तियों की नसें सिर की कमज़ोर हैं, या मान लीजिए गुस्सा, चिड़चिड़ापन, टेंशन ज़्यादा हो जाता है, या नींद नहीं आती है, डिप्रेशन से परेशान रहते हैं, या कई बार पार्किंसंस रोग होता है जिसमें नर्वस सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है, उनके लिए कहूँगा कि आपके लिए अनार का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा लाभकारी है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अनार में इतने अच्छे गुण पाए जाते हैं जो स्मरण शक्ति को, दिमाग को, नसों को ताकत देगा, और आपकी बीमारियों को कहेगा जब भैया इस शरीर को छोड़, अब तू जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। जिन व्यक्तियों को किसी भी तरह का बुखार है, किसी तरह का भी बुखार है, उनके लिए अनार के दाने खाना, अनार का बीज खाना, अनार का रस पीना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ तक कि अनार के छिलकों का काढ़ा बना के उससे अच्छे से रुई डुबो के, कपड़ा डुबो के सिर शरीर पोंछने से भी बुखार ख़त्म हो जाता है। या जिन व्यक्तियों को देखोगे नाक से, मुंह से, गुदा मार्ग से, या मान लीजिए मूत्र मार्ग से खून आता है, उनके लिए कहूँगा कि अनार आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म ज़्यादा मात्रा में आता है, या महीने में 2 बार आता है, या मान लीजिए आता है तो रुकता नहीं है, काफ़ी दिन चलता रहता है, ऐसे महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और जिनको नाक से, मुंह से खून आता है, उनके लिए अनार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हम इसको रक्तपित्त बोलते हैं, इसमें पूरा लाभ मिलेगा आपको, आप इसका इस्तेमाल करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर मान लीजिए आपको नकसीर आ गई और आपके पास घर में कुछ नहीं है, अनार है, तो अनार का बीज पीस के आप उसको कपड़े में छान के उसका रस निकाल के वो 3 बूंद नाक में डाल के खींचिए, इस नाक में डाल के खींचिए, ऐसा करने से आपकी नकसीर उसी टाइम बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, और अनार खा लेंगे तो उस पर और भी अच्छा रहेगा। जिन व्यक्तियों को बार बार टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, गले में इन्फेक्शन होता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन होता रहता है, खांसी से परेशान रहते हैं, बार बार सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं, उनके लिए बार बार बुखार होता रहता है, उनके लिए कहूँगा कि सुबह शाम अनार का इस्तेमाल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन एक बात बता दूँ आपको कि आप फ्रिज में रख के मत खाइए भैया, इसको इसको बाहर ही रखने रहिए और इसको इस्तेमाल करिए। फ्रिज में रखें उसकी तासीर और ज़्यादा गड़बड़ा जाती है, जिससे आपका इन्फेक्शन बढ़ सकता है, इसलिए इसको बाहर रखिए। या जो व्यक्ति ज़्यादा कैंसर, किसी भी तरह का आपका खून का कैंसर है, या मान लीजिए शरीर में प्रोस्टेट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, किसी भी तरह शरीर में कहीं भी अंग में आपको कैंसर है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए अनार बहुत ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि कैंसर सेल्स को पनपने से रोकता है, उनको वहीं से वहीं धीरे धीरे कम करने लग जाता है।
जो मोटापा घटाना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा इसके अंदर वसा बिल्कुल नहीं होता है। अनार का रस आप सुबह शाम लीजिए, आपके शरीर में आप थोड़ा डाइट कम कर लीजिए, आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। आप एक्सरसाइज करिए ताकि आपका वजन घटता चला जाए। और आप क्या लेना चाहते हैं, अनार का रस लीजिए सुबह शाम, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब रही बात शुगर वाले, कई बार पूछते हैं जी शुगर हमारी शुगर है, हम अनार लें ना लें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो अग्नाशय को ताकत देता है और इंसुलिन आपके शरीर के मुताबिक बनेगा और आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा। जिन व्यक्तियों को पेट में हमेशा गर्मी रहती है, खून में हमेशा गर्मी बनी रहती है, ज़रा सी बात करने पे एकदम हाइपर हो जाते हैं, ज़रा सा कुछ गर्म चीज़ खाने पे एकदम परेशान हो जाते हैं, तो आपके लिए अनार का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये पित्त दोष को, गर्मी को कम करता है, नॉर्मल करता है और आपको बिल्कुल स्वस्थ करता है। जिन व्यक्तियों को गुर्दे में पत्थरी की शिकायत है तो आपके लिए कहूँगा कि जी अनार बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर जो अच्छी मात्रा में विटामिन्स पाए जाते हैं, गुर्दे की पत्थरी को मेल्ट करके पेशाब के रास्ते निकालता है। इसी तरह जो टीबी से परेशान है, शरीर में अगर टीबी मान लीजिए आपके हड्डियों में है या मान लीजिए आपके अंतड़ियों में है या आपके फेफड़ों में है, तो आपके लिए अनार का इस्तेमाल करना, जो दवाई आप खाते हैं वो खाते रहिए, साथ में आप अनार का इस्तेमाल करिए, देखिए आपकी बीमारी कैसे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है। जिन महिलाओं को गर्भ नहीं ठहरता और परेशान रहती हैं, तरह तरह के इलाज कर लेती हैं, उनके लिए मैं कहूँगा बच्चेदानी में किसी भी कारणवश आपका अगर गर्भ नहीं ठहर रहा तो सुबह शाम आप अनार का रस पीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये बच्चेदानी के सभी तरह के दोष को ख़त्म करता है और गर्भ धारण के लिए उसको ठीक करता है। अब इसी तरह जिन महिलाओं का गर्भ रुक गया है, प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, गर्भवती हो चुकी हैं, उनके लिए तो अनार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप जच्चा के लिए भी फायदेमंद है, बच्चे के लिए भी फायदेमंद है। इससे क्या होता है, बच्चे को पूरी तरह से पोषण मिलता है शरीर में और आपको तरह तरह के कैल्शियम, फोलिक एसिड के टैबलेट ले, फलाना ले, विटामिन्स के कैप्सूल ले, कैल्शियम के टैबलेट ले, ये सब लेने से भी छुटकारा मिल जाता है। अगर आप एक कप, एक गिलास जूस आप सुबह शाम लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। बच्चा भी हष्ट पुष्ट होगा और वजन जब बच्चा होगा तो बिल्कुल सामान्य होगा, बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे का रंग रूप भी और चेहरे पे रो बिल्कुल ओज होगा और किसी तरह की बीमारी नहीं होगी, बीमारी से रोग मुक्त तो बच्चा होगा, आपके लिए तो बहुत फायदेमंद है। जिन व्यक्तियों को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको धातु जाता है, पुरुषों को धातु जाता है तो उसे धात पटना बोलते हैं, महिलाओं को धातु जाता है शरीर से तो उसे हम लिकोरिया बोलते हैं, शरीर में कमजोरी आ जाती है और दिन ब दिन शरीर का वजन खत्म होता चला जाता है, दर्दें शरीर में रहने लग जाती है, उनके लिए अनार का बीज खाना या अनार का फल खाना या मान लीजिए अनार का छिलके का पाउडर लेना या अनार का रस लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और जो इसकी तासीर होती है वो तो इसकी ठंडी होती है, मैं बता देता हूँ कि शीतल वीर्य कहा गया है इसे। अब इसके जो दोस्तों मैंने इतने सारे फायदे बताए हैं तो एक आधा नुकसान भी बता देता हूँ। जिन व्यक्तियों का बीपी लो रहता है वो कृपया करके अनार का इस्तेमाल मत लें, इस्तेमाल मत करें क्योंकि उससे आपका बीपी और लो हो जाएगा, या जिनका खून बहुत पतला है वो अनार का इस्तेमाल मत करें। दोस्तों बस इतना ही ध्यान रखें और किसी तरह का कोई ध्यान नहीं रखना, आप बिल्कुल बिल्कुल निरोग रहेंगे। और दोस्तों मुझे उम्मीद है मैंने इसके इतने सारे फायदे बताए तो आप इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।